अब गाइस TSMP के लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि पांडा काफी देर से हमको नहीं मिल रहा था, तो मैं और एंटिटी 303 जाते हैं वापस हीरो ब्रांड के सीक्रेट बेस पे और वहां जाके देखते हैं कि भाई पांडा को तो ट्रैप कर रखा है उन बंदों ने। अब हम अपना दिमाग लगा के भाई बड़ी मुश्किल से पांडा को कहते थे छुड़ाते हैं, लेकिन बीच में हमको उनका एक गार्ड मिल जाता है। अब उससे मेरी काफी देर तक फाइट चलती है और मैं एंटिटी को बोल देता हूँ कि वो एक ट्रैप तैयार रखे और जैसे ही हमको मौका मिलता है हम उसको ट्रैप कर देते हैं और साथ ही डेड लॉर्ड को सिग्नल भिजवा देते हैं जिससे कि टेडी उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाए और हम उसको इस वर्ल्ड से भाई उस वर्ल्ड में भेज पाए। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, कुछ भी चीज मिस मत करना क्योंकि भाई एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड यस, सबसे पहले तो लाइक कर दो, जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक टारगेट हम रखते हैं इस वाली वीडियो को 10K लाइक्स का, कंप्लीट करा देना भाई। अब चलते हैं इस वाली वीडियो की तरफ। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह ग्राइंडिंग करना बट आपके पास कोई भी सर्वर नहीं है, तो मैं आपके लिए लाया हूँ एजोबो माइनक्राफ्ट सर्वर। आईपी स्क्रीन पर आपको दिख ही रही होगी और यहाँ पर 30K से भी ज्यादा लोगों ने लैंड क्लेम किया है और आप भी आके यहाँ पे लैंड क्लेम कर सकते हो। तो रिसेंटली एजोबो वालों ने अपना ऐप लॉन्च किया है और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हो तो आपको 500 कॉइंस फ्री में मिल जाएंगे। इस ऐप में साइन अप करना बहुत ही इजी है, गूगल अकाउंट से यहाँ पर आप अपना साइन अप कर लो और यहाँ पर अपना गेमर टैग डाल दो। तो एजोबो के ऐप में एक फीचर आया है जहाँ पर आप डिफरेंट माइनक्राफ्ट की वीडियो देख सकते हो और साथ ही में आप अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, बस आपको अपनी वीडियो इनके डिस्कॉर्ड पर सबमिट करनी है। ऑल्सो एजोबो ऐप में एक स्किन का फीचर आया है जहाँ पर आप डिफरेंट स्किन यूज कर सकते हो और इनकी कुछ स्पेशल एबिलिटी भी होती है लाइक स्पीड, हेल्थ, लक। और गाइस, इस सर्वर में आप खुद की एक शॉप भी बना सकते हो और उन सामान को बेच भी सकते हो एजोबो कॉइन के बदले में। और गाइस, एजोबो के ऐप में आप क्रेट कीज भी ले सकते हो और साथ ही साथ अपने प्लॉट को भी क्लेम कर सकते हो। और एजोबो ऐप में हीरो रैंक भी आ चुकी है जो कि 980 कॉइंस की है, जो कि मात्र 10 रुपए से भी कम है। तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाके खेलो। आईपी आपको स्क्रीन पर दिखी रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो जल्दी से जाओ और विजिट करो। एंड थैंक्स टू एजोबो। ऑलराइट भाई, एंटिटी डेड लॉर्ड तो ले गया उसको फाइनली। अब हो सकता है भाई काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमको। एंड हाई भाई, पांडा भी सेफली पहुंच गया होगा अपने सीक्रेट बेस पे। अब एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं यहाँ से। और भाई मैं तो सोच रहा हूँ ना कि हम दूसरे वाले को ही पकड़ लेते हैं इससे पहले कि वो फेक हीरो ब्रेन को बताए। हम उस दूसरे वाले को या तो मार देते हैं या पकड़ लेते हैं एंड उसको भी डेड लॉर्ड को सौंप देते हैं जिससे उसकी मदद से हमको भी और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ से निकलते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि वो यहाँ पे आएगा क्योंकि हो सकता है जब मेरी उससे फाइट हो रही हो तब उसने उसको सिग्नल भेज दिया हो और भाई वो फेक हीरो ब्रेन को जाके बता दे इससे पहले कि हमें उसको ढूंढना पड़ेगा और भाई उसको पकड़ना पड़ेगा कैसे भी करके। तो निकलते हैं यहाँ से, मेरे को यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। चलो एंटिटी चलते हैं। हाँ ठीक है, यही रास्ता है, ठीक है यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले तो। एंड यस भाई, आ चुके, बस यहीं पे होना चाहिए अपना सीक्रेट बेस। कहाँ था एंटिटी, तो आ रहा होगा भाई उड़ उड़ के, लेकिन मेरे को तो यहीं से जाना पड़ेगा ढूंढते। ओके, ये वही वाली बैम आ गई, ठीक है मैं पहुंच चुका हूँ। एक सेकंड भाई, मेरे को कोई, एक सेकंड भाई, ये कोई तो था भाई, मेरे को कोई दिखा उड़ता हुआ एंटिटी। ओ भाई ये वही है भाई, ये तो वही वाला एंटिटी है, ये यहाँ पे कैसे आ गया। एक सेकंड, एंटिटी 303 कहाँ गया। हाँ भाई, मैंने उसको बंदे को देख लिया भाई, वो यहीं पे आ गया भाई। यहाँ पे कैसे पहुंच गया वो हमसे पहले, और उसको हमारे सीक्रेट बेस के बारे में तो नहीं पता चल गया ना भाई। भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, पांडा ऊपर ही होगा शायद से। एक काम करते हैं, उसके पास चलते हैं भाई। शेट शेट शेट, इनको पता नहीं चलना चाहिए हमारे सीक्रेट बेस के बारे में। एंटिटी तुम एक काम करो, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम इसको ट्रैप करने की कोशिश करना। एक सेकंड कहाँ गया भाई, कितनी लंबी लंबी जंप ले रहा है ये एंटिटी। तुम एक काम करना, इसको ट्रैप करना, मैं जैसे मैं कहूँ तुम इसको ट्रैप कर देना, ठीक है। मैं फिलहाल अभी देखता हूँ भाई, इसको थोड़ा उलझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ये तो अपनी लंबी लंबी जंप मार रहा है, वो वाला बंदा तो मारना ही बंद कर दिया। एक सेकंड आ गया, आजा बेटा। ओके गया ऊपर दोबारा से, आजा बेटा कहाँ जा रहा है तू, आजा। ओ भाई क्या जंप मार रहा है बेटा, आज तो नहीं छोड़ने वाले इसको, आज या तो तू ट्रैप होगा या सीधा मरेगा बेटा। आजा कहाँ गया भाई, एक तो ये शिट 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 शिट, नहीं 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 भाई, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये इतनी लंबी लंबी जंप लगाते हैं और दिखते भी नहीं भाई कब कहाँ से आ जाए। तो इससे तो फाइट लेनी पड़ेगी, रुक जाओ बेटा तेरे को तो मैं बताता हूँ। शिट, ठीक है एंटिटी तुम तैयार रहना, आजा बेटा कहाँ जा रहा है, आजा आजा आजा, कहाँ गया। ओ ऊपर खड़ा है, आजा ना, क्या हो गया बेटा, आजा आ गया। यस शिट भाई, ये एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, दिक्कत तो यही है तो कैसे मारूं मैं। ओके आया, नहीं 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 बेटा फाइट लेना, कहाँ कूदे जा रहा है, आजा फाइट ले, अगर हिम्मत है तो फाइट लेके दिखा, आजा। यस ठीक है, लगा बेटा आज नहीं छोड़ने वाला मैं तेरे को। यस मारा भाई, भाई ये बंदे की हेल्थ कितनी होती है मेरे को बस एक बार ये पता चल जाए। और एक सेकंड, ये गेट कैसे खुला हुआ है भाई, इसके अंदर ना चला जाए गलती से भी ये। नहीं 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 मेरे को इसके जाने से रोकना होगा, ऐसे इसके अंदर ना चला जाए गलती से भी, ठीक है आजा। ठीक है लगा, ओ भाई उधर जाने की कोशिश करे जा रहा है बार बार। नहीं 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 भाई बच गया, क्या गया भाई साहब, अभी अंदर जाने वाला था। शिट बेटा तेरे को तो यहाँ से कहीं दूर लेके जाना पड़ेगा। ओके
आजा बेटा, शिट शिट शिट, मैं एक काम करता हूँ, इसको दूर ले जाने की कोशिश करता हूँ। बेटा लगा, ठीक है भाई। इसकी हेल्थ कितनी है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, कितने सारे शॉट मार चुका हूँ इसको, इतनी ओपी शॉट से वो भी। इनकी हेल्थ कितनी होती है यार, ये मरते क्यों नहीं है, मेरी हेल्थ खत्म होती जा रही है, मैं इतने एंचेंटेड एप्पल खा जाऊँ। एक सेकंड, कहाँ चल गया वो, आया ऊपर से, ठीक है भाई। एक तो इनका पता नहीं चल पाता यार कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब देखो फिर से, ठीक है पीछे से आया, एक सेकंड फिर गायब हो गया भाई, कहाँ जंप करके जा रहा है, एक सेकंड कहीं जा रहा है ये भाई, एक सेकंड मेरे को इसका पीछा करना पड़ेगा, ये कहीं तो जा रहा है। या तो इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है भाई, या तो आज इसको मारना है या फिर इसको ट्रैप करना है, कुछ भी करना है भाई, इसको जाने नहीं देना। अगर ये गलती से भी यहाँ से गया तो भाई ये हीरो ब्रांड को बता देगा, इसका पीछा करना पड़ेगा। कहाँ चला गया भाई, यहीं तो था अभी, कहाँ चला गया? ओ ये रहा, ये रहा, दिखा दिखा दिखा, आजा बेटा। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे को लग रहा है फेक हीरो ब्रांड को बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई आज इसको नहीं जाने देने वाला मैं। ओके आजा, ठीक है लगा भाई, मर जा प्लीज मर जा। भाई कितनी हेल्थ है इसकी, मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा पहले। ओके मैं आया दोबारा से भाई, ये एंडरमैन, शिट यार ये अलग मुसीबत है यार। शिट नहीं, ठीक है आ गया, दोबारा से आ गया, आजा बेटा भाई लगा, ठीक है। नहीं भाई फिर गया भाई, ये अपनी पावर्स यूज करे जा रहा है बार। एक सेकेंड, अभी कहाँ गया भाई, अभी कहाँ चला गया, अभी तो यही था। एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ जल्दी से भाई, बस इसको भागने नहीं देना यहाँ से। एक सेकंड भाई, ये कौन सी जगह है अब भाई, इससे पहले तो ये जगह देखी नहीं थी यहाँ पे, ये कौन सी जगह पे ले आया अब भाई, इसका पीछा करते करते कहाँ आ गया ये मैं, और ये क्या बना हुआ है भाई। फिट एक सेकंड, ये रहा, ये अंदर जा रहा है, मेरे को इसका पीछा करना होगा, बस ये गलती से ही फेक हीरो ब्रांड के पास ना चला जाए। एक सेकंड, ठीक है यहाँ पे आया मैं, एंटिटी बस मेरे पीछे आ रहा हो प्लीज भाई। ये कौन सी जगह है अब भाई साहब, ये क्या है वो। एक सेकंड, ये भाई उस गेट की तरफ जा रहा है, मेरे को उसका पीछे करना पड़ेगा भाई, इसको गलती से भी जाने नहीं देना इस बार भाई। ये कैसी जगह बनी हुई है यहाँ पे, ओ नहीं भाई, अभी गिरने वाला था भाई, लावा है नीचे तो। लेकिन भाई ये जंप करता करता कहाँ जा रहा है, और सामने क्या बना हुआ है भाई, ये कोई ऐसा गेट लग रहा है मेरे, ओ इसके अंदर चला गया भाई, मैं एंटिटी के बिना नहीं जा सकता यहाँ पे। एंटिटी, ओ आ गया एंटिटी, वो वहाँ पे चला गया भाई उस गेट के अंदर, मेरे को लगता है भाई उस गेट के अंदर इसका जरूर कुछ ना कुछ सीक्रेट है। बस यहाँ भाई ये कौन सी जगह है, अब इससे पहले ये जगह देखी नहीं थी हमने, ये इनका दूसरा सीक्रेट बेस तो नहीं है कहीं भाई साहब। जल्दी से इसके पीछे चलना होगा, कहीं हमारे हाथों से ना निकल जाए भाई। गिरते गिरते बचा, ठीक है। ओ भाई ये क्या हुआ भाई, ये क्या बना हुआ है। एक सेकेंड, अंदर चल के देखते हैं, एक और गेट है यहाँ पे। चिट भाई तैयार रहना होगा, कोई भी खतरा आ सकता है अभी भाई। ये क्या है, तो मार के देखता हूँ। ओ भाई शिट, ये तो एंडरमैन ही था, लेकिन भाई इतना खतरनाक क्यों दिख रहा है ये। नहीं, ठीक है बच गया भाई। एक और गेट, दो गेट है यहाँ पे, कौन से वाले के जाए, इसके जाते हैं। एक सेकंड भाई, ये कौन है अब। ये वही बंदा है जिसके आगे खड़ा है सर नीचे करके भाई। अब ये कौन है भाई, एंटिटी मेरे को लग रहा है ये इनका बॉस है, और ये चेयर पे भी बैठा हुआ था। एक सेकंड, ये हमारी तरफ आ रहा है भाई, ये इतनी तेज तेज कैसे चल पा रहा है। शिट, मेरी तरफ ही आ रहा है, एंटिटी संभालो इसे भाई साहब, इसके पास भी पावर है। मेरे को लगता है भाई एंटिटी मेरे से तो नहीं लड़ जाएगा भाई, इससे इसके पास भी पावर है। एक सेकंड से ट्राई करता हूँ मारने की भाई, कितनी तेज चल रहा है, नहीं मेरे को नहीं दिख रहा। शेट 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 भाई, मैं इस बंदे को देखता हूँ, एक काम करता हूँ। एंटिटी तुम संभाल लेना इसको, एंटिटी तुम एक काम करो, इसको दूर लेके जाओ, मैं इस दूसरे बंदे को संभाल लेता हूँ। ओके एंटिटी इसको बाहर ले गया है, मेरे को लग रहा है भाई वही भाग रहा है एंटिटी से, एंटिटी तो नहीं लेके गया है भाई साहब। एक सेकंड भाई, ये आ गया, आ जा बेटा अब तेरे को बताता हूँ फाइनली, तूने तो बता ही दिया ना अपने बॉस को।
रुक बेटा तेरे को बताता हूँ, आज या तो तू मरेगा या फिर तू ट्रैप होगा, रुक। और तेरा बॉस भी जाएगा आज तो। भाई मेरे को लगता है वो इसका बॉस ही था भाई, ये उसके सामने सर नीचे करके खड़ा हुआ था और अब अचानक से लड़ने आ गया। बेटा रुक तेरे को बताते हैं, ठीक है। के भाई कितनी हेल्थ है इसकी, भाई इन सबके पास पावर्स है और यहाँ पे कितने हैं और इनके जैसे। एक सेकंड, ये क्या रखे हुए हैं? नहीं नहीं ये फिर पीछे आ गए मेरे, रुक जा बेटा तेरे को तो आज छोड़ने नहीं वाला मैं, बस एंटिटी आ जाए उसको मार के। ओ भाई फाइनली, भाई फाइनली ये मर गया, मेरे को लगा ही था भाई कितनी हेल्थ होगी इसकी। आखिरकार हमने एक एंटिटी को तो मार दिया इनके, बस अब एंटिटीज के बॉस को भी मार दे। भाई मेरे को तो लगा था फेक हीरो ब्राइन इसका बॉस है, लेकिन भाई असलियत में तो कोई और इनका बॉस था। अब ये तो एक और नई मिस्ट्री आ चुकी है हमारे सामने। मैं एक काम करता हूँ भाई, जल्दी से निकलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से निकलते ही भाई क्या सब कुछ चेंज हो गया। भाई साहब क्या खतरनाक जगह है ये। भाई अभी मैं एंटिटी का इंतजार करूँ या क्या करूँ, मैं जाऊँ? अब पांडा का भी नहीं पता पांडा वहीं पे सेफ है या फिर नहीं है। मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यहाँ पे रहना ज़्यादा देर तक सेफ है। और भाई ये जगह भी बहुत खतरनाक है, अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितने एंटिटी है उसके जैसे। एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो सीक्रेट बेस पे जाता हूँ, क्योंकि हो सकता भाई पांडा के पास कोई और भी आ गया हो, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए उससे सेफ जगह हमारे लिए कोई भी नहीं है। और भाई साहब इस जगह को देखो यार एक बार, ये जगह कहाँ से आई? और भाई ये बॉस, अब ये क्या नई मिस्ट्री है? अब ये वर्ल्ड तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है हमारे लिए।